ये दिनांक 13/9/2024 को थाने में एक सिविल लाइन थाना जिला देवास में एक लिखित में एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बच्चियों की जो फोटो थी उसके साथ मॉफिंग करके उसे इंस्टाग्राम पर स्टोरी बनाकर लोगों को भेजे जा रहे थे। इसकी सूचना पर तत्काल साइबर सेल देवास में बताया गया था, जिसमें साइबर सेल देवास एक्टिव होकर उसकी जांच पड़ताल कर रही थी। उसके बाद लगातार लगभग 5 आवेदन हर दूसरे चौथे दिन लगातार देवास में साइबर सेल को प्राप्त हुई, जिसकी जांच लगातार देवास साइबर सेल कर रही थी। सर, ये बच्चे कौन है, इन्होंने क्या अपराध किया है, कौन सी धाराओं में अपराध? ये जब इसकी जांच में लिया गया जिन सभी आवेदनों पत्र की जांच में हमारे द्वारा जो इंस्टाग्राम फेसबुक इनको मेल किया गया, मेल के माध्यम से जो अभी तक की जांच में ये पाया गया कि स्कूल जो उसी स्कूल में जो पढ़ते थे, जो एक्स स्कूल के बच्चे थे जो स्कूल से पढ़ के कहीं और दूसरे कॉलेजों में पढ़ रहे, उन बच्चों के द्वारा इस तरह की मॉफिंग की घटना की जा रही थी, जिसपे थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 624/24 धारा 66E और 67A ITAT का पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। इसमें एक जो बालक है वो GSITS कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है, एक बालक जो शासकीय उज्जैन कॉलेज है वहां से इंजीनियरिंग कर रहा है, एक नीट की तैयारी कर रहा है और एक बालक बेल्लोर से इंजीनियरिंग कर रहा है। कितने छात्र और महिला परेशान किया? ये अभी आज दिनांक तक लगभग 5 से 7 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसमें एक निर्णय राणा, दूसरा पद्मेश राजेशकर, तीसरा मानस नायर और एक नाबालिग बालक है। इनने एक कन्फेक्शन SMA नाम का एक ग्रुप बनाया था इंस्टाग्राम पे, जिसमें ये चारों लड़के जुड़े हुए थे। इन चारों लड़कों के द्वारा जो भी पूर्व में जो इनके सहपाठी थे, जो इनके टीचर थे, उनके जो फोटो जो क्योंकि ये म्यूचुअल फ्रेंड थे अपने स्कूल के टीचर और स्कूल के बच्चों से, उनके इंस्टाग्राम से फोटो निकालकर उनके फेस दूसरे जो फोटो थे उन पर लगाकर इनको टैग करके इनको भेजते थे। अश्लील, पूरी तरह से अश्लील फोटो रहते थे। अभी हाल फिलहाल में केवल देवास के और स्कूल से जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे और या स्कूल के जो टीचर थे उनके खिलाफ इन्हें किया गया था। सर, क्या कहेंगे, एक तरह के सोशल मीडिया का ये भारी दुरुपयोग हो रहा है और ये नए युवक ही इसमें पड़ रहे हैं। ये हम अभी इस घटना के बाद सभी देवास के लोग हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि इस तरह की कोई भी घटना में संलिप्तता न रखें, क्योंकि साइबर अपराध है, साइबर जो है अपराध वो कहीं ना कहीं से किसी भी माध्यम से पकड़ा जाता है। जो युवा है ये किस तरह का बैकग्राउंड है इनका स्टडीज को लेकर? ये स्कूल के टॉपर लड़के थे, स्कूल में इनकी एजुकेशन में सभी अच्छे पढ़ने लिखने वाले लड़के थे, इनका जो अच्छे परिवार से संबंधित थे सभी पूरे स्टूडेंट, और वर्तमान में जिन कॉलेजों में पढ़ रहे हैं वो मध्य प्रदेश के अच्छे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़ाई कर रहे हैं। संदेश देंगे सर आप युवाओं को, छात्रों को? ये हमारा पुलिस की तरफ से यही संदेश है कि सभी युवाओं को इसी तरह की किसी भी अनर्गल चीजें जो सोशल मीडिया पे चल रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को आप भ्रमित कर रहे हैं या परेशान कर होते हैं, सोशल मीडिया का किसी भी तरह से दुरुपयोग न करें, वो आपकी जो सुविधा के लिए बनाया गया उसको सुविधा का प्रयोग करें। ये प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें तत्काल साइबर सेल की टीम को इसमें एक्टिवेट किया गया, थाना सिविल लाइन से भी इसमें सुनिश्चित किया गया तत्काल ही इसमें पकड़ा जाए और प्रकरण की गंभीरता से विवेचना की गई और सभी साइबर सेल की टीम से उसमें स्पष्ट किया गया कि आरोपी इसी स्कूल से निकले हुए कुछ बच्चे हैं और उनके राउंड अप किया गया है, आगे भी पूछताछ की जा रही है। सर, क्या जो छात्र हैं अधिकारियों के छात्र बच्चे हैं क्या इसमें? आरोपी जो पकड़े गए हैं उनको एक इसमें नाबालिग है, बाकी अन्य से पूछताछ इसमें जारी है। किस जो बच्चे जो हैं मतलब कुछ उसमें जो प्रकरण है बेसिकली उसमें आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनके कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। किस तरह कृत्य किया था सर इसमें? बेसिकली बच्चों के जो फोटोग्राफ्स थे उसको मॉफ किया गया और इसमें सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया है, तहकीकात उसमें विस्तृत की जा रही है और चीज़ उसमें चारा निकाल दिया गया। सर, किन दौरों में प्रदत्त किया गया? इसमें हम लोग आईटी कर रहे हैं। सर, ऐसे अपराध देवास में आए दिन बहुत देखे जा रहे हैं, मतलब ये सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया इसमें लगातार एक्टिव है और पूर्व में भी हमारे द्वारा पिछले वर्ष एक काफ़ी बड़ा केस इसमें डिटेक्ट किया गया था, जहाँ भी हम लोगों को इस तरह की चीज़ मिलती है और लगातार अवेयरनेस के लिए भी संबंधित स्कूल्स कॉलेजेस में हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं और सभी को सजग किया जा रहा है कि सोशल मीडिया को इस तरह से हैंडल करना है और इसमें आगे भी कार्रवाई जारी है। थैंक यू सर।